हेलो दोस्तों, क्या हाल है। मेरा नाम है आशीष, आप देख रहे हैं जेबी एडिटिंग चैनल। तो आज हम स्नैपसीड ऐप की मदद से कुछ इस टाइप की फोटो एडिटिंग करेंगे। तो अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आए तो प्लीज वीडियो को लाइक करें। अगर मेरे चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल के आइकन को भी प्रेस कर दें, जिससे मेरे आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंचे, जिससे आप मेरे वीडियो को सबसे पहले वॉच कर सकें। तो बिना देर लगाए वीडियो करते हैं स्टार्ट। हेलो दोस्तों, वेलकम बैक माय अनदर वीडियो। आज हम इस वीडियो में स्नैपसीड ऐप की मदद से फेस को स्मूथ करना सीखेंगे और ऑयल इफेक्ट कैसे डालें। तो फाइनली दोस्तों, मैं आज स्टेप बाय स्टेप आपको सिखाने वाला हूँ फेस स्मूथ कैसे करें और ऑयल इफेक्ट कैसे डालें। तो बिना देर लगाए वीडियो करते हैं स्टार्ट। और यहाँ से अपने फ़ोटो को सेलेक्ट कर लेंगे, इस फोटो को स्नैपसीड ऐप में शेयर करेंगे। तो फाइनली दोस्तों, मेरे पिक हो गए स्नैपसीड ऐप में ओपन। यहाँ टूल्स पर क्लिक करेंगे, ट्यून इमेज पे आके यहाँ से कलर ग्रेडिंग कर लेंगे, सेचुरेशन को बढ़ा देंगे, एम्बिएंस को बढ़ा देंगे, हाईलाइट को भी बढ़ा देंगे, शैडो को बढ़ा देंगे और यहाँ से कर देंगे डन। तो फाइनली दोस्तों, इतना करने के बाद यहाँ टूल्स पे क्लिक करेंगे और यहाँ से डिटेल पे क्लिक करेंगे, डिटेल्स की बढ़ा देंगे, डिटेल फुल करने के बाद यहाँ डन कर देंगे। फिर यहाँ से टूल्स पे क्लिक करेंगे। तो फाइनली दोस्तों, इतना करने के बाद यहाँ से फिर टूल्स पे क्लिक करेंगे, सेलेक्टिव पे क्लिक करेंगे और यहाँ से साइड पे सेलेक्ट करके इसको थोड़ा ब्लैक कर देंगे। तो फाइनली दोस्तों, इस तरह से आप ब्लैक कर पाओगे। और इतना करने के बाद यहाँ से फिर टूल्स पे क्लिक करेंगे और यहाँ से ब्लैक एंड वाइट है इस पर क्लिक करेंगे और यहाँ से जो हेयर का कलर है इसको चेंज कर लेंगे, ब्लैक एंड वाइट कर लेंगे और यहाँ से कर देंगे डन। फिर यहाँ से व्यू एडिट पे आएंगे और यहाँ से ब्लैक एंड वाइट वाले ऑप्शन पे क्लिक करके, ब्रश वाले आइकन पे क्लिक करके यहाँ से जो हेयर है इस पर अप्लाई कर देंगे, जो मैंने कलर किया था अभी। तो कुछ इस तरह से अप्लाई हो जाएगा, यहाँ से फिर डन कर देंगे। फिर यहाँ से बैक आ जाएंगे और यहाँ से बैक आने के बाद में यहाँ से फिर टूल्स पे क्लिक करेंगे, डुअल एक्सपोजर पे क्लिक करेंगे, एक बैकग्राउंड सेलेक्ट करेंगे जिसके लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहाँ से डाउनलोड कर लेना। तो फाइनली दोस्तों, मैंने बैकग्राउंड कर लिया सेलेक्ट, इसकी ओपेसिटी को बढ़ा देंगे और यहाँ से कर देंगे डन। फिर यहाँ से व्यू एडिट पे आएंगे, डुअल एक्सपोजर पे क्लिक करेंगे, ब्रश वाले आइकन पे और यहाँ से ब्लैक एंड वाइट वाले ऑप्शन पे क्लिक करके इसको अप्लाई कर देंगे ऐसे ही। और यहाँ से अप्लाई होने के बाद में यहाँ से डन कर देंगे, यहाँ से बैक आ जाएंगे, फिर यहाँ से बिफोर की पिक देखो और आफ्टर की। तो कुछ इस टाइप से एडिट हो गई, ऑयल इफेक्ट आ गया है। तो यहाँ से इस पिक को शेयर करेंगे एयरब्रश ऐप में। तो फाइनली दोस्तों, मेरी पिक हो गई एयरब्रश ऐप में ओपन। यहाँ से स्मूथ पे क्लिक करें, सॉरी एकेंस पे क्लिक करेंगे, यहाँ से जो पिंपल वगैरह है, डस्ट वगैरह, इनको रिमूव कर लेंगे। तो फाइनली दोस्तों, कुछ इस तरह से आप रिमूव कर पाओगे। और यहाँ से इतना करने के बाद में यहाँ से इस पिक को डन कर देंगे। जो रह गए इनको भी रिमूव कर लेंगे और यहाँ से कर देंगे डन। फिर यहाँ से स्मूथ पे क्लिक करेंगे और यहाँ से डुअल स्मूथर इस पर क्लिक करेंगे, स्मूथ कर लेंगे फेस को जल्दी से। तो फाइनली दोस्तों, इजी स्टेप है, इस तरह से आप फेस को स्मूथ कर पाओगे और ऑयल इफेक्ट आ जाएगा। तो फाइनली दोस्तों, इतना करने के बाद में यहाँ से फिर टूल्स पे क्लिक करेंगे और यहाँ से इनहेंस वाले ऑप्शन पे आएंगे, यहाँ से थोड़ी कलर ग्रेडिंग कर लेंगे। तो यहाँ से हाईलाइट को बढ़ा देंगे, शैडो को थोड़ा बढ़ा देंगे और यहाँ से ब्राइटनेस को थोड़ा बढ़ा देंगे, टेम्परेचर को थोड़ा डाउन कर देंगे और यहाँ से कर देंगे डन। तो फाइनली दोस्तों, डन करने के बाद में यहाँ से थ्री डॉट पे क्लिक करेंगे और यहाँ से टूल बीज ऐप में शेयर करेंगे इस पिक को। यहाँ से लिखा है देखो इफेक्ट पे क्लिक करेंगे और यहाँ से सॉफ्ट स्मूथ जो लिखा है इस पे क्लिक करेंगे, जो थर्ड वाला ऑप्शन है इस पे क्लिक करके यहाँ से मास्क पे क्लिक करेंगे, यहाँ से जो क्लीन वाला है इस पे क्लिक कर देंगे और इसे हेयर पे अप्लाई कर देंगे। तो फाइनली दोस्तों, यही प्रोसेस करना है आपको, कुछ इस तरह से आप कर पाओगे।
तो फाइनली दोस्तों कुछ इस टाइप के स्टेप को फॉलो करके आप ऑयल पेंट फोटो एडिटिंग कर पाओगे, ऑयल पेंट फोटो इफेक्ट डाल पाओगे। तो फाइनली दोस्तों अगर आपको मेरी एडिटिंग अच्छी लगी हो तो वीडियो पसंद आए प्लीज़ वीडियो को लाइक करें। धन्यवाद।